बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की जा सकती है और किस तरीके से हेल्प फंक्शन यूज़ किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस लेक्चर में हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकें, टेंजिबल हो या फिज़िकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर का, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। जैसे एग्ज़ाम्पल में कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर या मोनीटर या जो भी चीज़ ऐसी होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, वो कहलाती हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम इंटीग्रेटेड डिवाइसेस का एक ऐसा सेट है जो डेटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोर करता है। कंप्यूटर सिस्टम फ़िलहाल कम से कम एक डिजिटल प्रोसेसिंग के साथ बनाए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के 5 अहम कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इस पिक्चर में भी आपको कंप्यूटर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो हम अब कंप्यूटर कंपोनेंट्स के इन 5 कंपोनेंट को एक के बाद एक समझेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है और नर्वस सिस्टम भी कहलाता है, और प्रोसेसिंग जो हो रही होती है सीपीयू के अंदर, उसके 4 फंक्शंस हैं: कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को इंटरेक्ट करना, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना और मेमोरी के नीड पर एड्रेस बिट्स को प्रोड्यूस करना। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में किस तरीके से डाटा फ्लो होता है, इंस्ट्रक्शन किस तरीके से फ्लो होती हैं और कैसे डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल किया जाता है और किस वे से और किस चैनल से ये सारा सिस्टम प्रोसेस हो रहा होता है। और इस डायग्राम में हमें डाटा, इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल को अलग अलग लाइन से दिखाया गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 कंपोनेंट्स हैं: फर्स्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU भी कहते हैं, और सेकंड है कंट्रोल यूनिट, जिसका एब्रिवेट है CU। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट नाम से ही जाहिर है अर्थमेटिक, जिसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहे हों। CPU के इस कंपोनेंट में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड होते हैं, जो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा इसके अंदर रजिस्टर मौजूद होते हैं, जो हाई स्पीड वॉलेटाइल मेमोरी को मेन मेमोरी से सेपरेट करते हैं। नंबर 2, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट भी CPU का एक कंपोनेंट है। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह ही काम करता है, जो CPU कंपोनेंट्स और अदर डिवाइसेस के दरमियान डेटा को हिदायत देता है। हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में रजिस्टर होते हैं, तो अब हम समझते हैं कि रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर एक मेमोरी है जो टेम्परेरी और इरेजेबल होती है। जो भी डेटा प्रोसेस किया जाना होता है वो इन्हीं रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। ALU और CU, इन दोनों में 14 शेयर्ड रजिस्टर्स होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में 2nd कंपोनेंट है बसेस। बसेस वायर और कनेक्शन होती हैं जो कनेक्ट करती हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में। बसेस 3 टाइप की होती हैं: फर्स्ट एड्रेस बस, 2nd कंट्रोल बस, 3rd डेटा बस। अब हम बसेस की टाइप को समझेंगे। एड्रेस बस CPU और मेन मेमोरी को कनेक्ट करता है। जहां डेटा स्टोर है मेन मेमोरी में, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। 2nd कंट्रोल बस। कंट्रोल बस CPU और दूसरे डिवाइसेस के दरमियान इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। नंबर 3, डेटा बस। डेटा बस एक रास्ता है जहां से डेटा ट्रेवल करता है कंप्यूटर के CPU, मेमोरी और पेरिफेरल्स में। कंप्यूटर सिस्टम का 3rd कंपोनेंट मेमोरी स्टोरेज, जिसको मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है।
मेमोरी जो कि स्टोरेज डिवाइस है। दो टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मदरबोर्ड के अंदर सेट ऑफ चिप्स जो होती हैं वो इंटरनल मेमोरी कहलाती हैं, और सीपीयू से अलहदा जो फिज़िकल डिवाइसेस होती हैं वो एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती हैं। अब हम इंटरनल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। आमतौर पर इंटरनल मेमोरी दो टाइप की होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और सेकंड रीड ओनली मेमोरी रोम। रैम से मुराद ऐसी मेमोरी जिसमें आप रीड भी कर सकते हैं और राइट सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मींस एक बार के बाद आप दोबारा भी उसको यूज़ कर सकते हैं आपके काम करते हुए, या आप काम करके कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो इससे भी रैम में जितना भी डेटा होता है वो सब रिमूव हो जाता है। रोम परमानेंट मेमोरी है जो डेटा को बरकरार रखता है लाइट जाने के बाद भी या कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी। रोम के अंदर कंप्यूटर के ज़रूरी प्रोग्राम होते हैं जो मशीन को शुरू करने के लिए ज़रूरी होते हैं। रोम सिर्फ डेटा रीड करने के लिए हमें परमिट देता है। ये दोनों डिवाइसेस सीपीयू का हिस्सा भी कहलाती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं और ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी से अलग होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी कहा जाता है, जो कि फिज़िकली सेपरेट होती हैं लेकिन मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं कम्युनिकेशन केबल के थ्रू, ताकि कोई भी प्रोग्राम एक्सेस करने में कोई भी परेशानी ना आ सके। सेकेंडरी मेमोरी स्लो और सस्ती होती हैं, ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती हैं सीपीयू से। सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट को सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज रैम में कॉपी होना होता है। ये कुछ टाइप्स हैं एक्सटर्नल मेमोरी की, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको यूएसबी भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिक्योर डिस्क कार्ड। कंप्यूटर सिस्टम में फोर्थ कंपोनेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सिस्टम में डेटा को इंटर और एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ होती हैं। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर, वेबकैम और फिंगरप्रिंट स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस एग्जांपल में मॉनिटर, जिसमें वेरिएंट हैं QLED, OLED, LED, LCD, CRT और प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर, स्पीकर और हेडफोन। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम का फिफ्थ कंपोनेंट पोर्ट्स। पोर्ट्स कंप्यूटर के बैक साइड में एक सॉकेट को कहते हैं, जो मुख्तलिफ डिवाइसेस को प्लग इन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिवाइसेस और पेरिफेरल्स से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, या आप कह सकते हैं कि पोर्ट एक फिज़िकल डॉकिंग एरिया है। कंप्यूटर के अंदर कई पोर्ट्स होते हैं जो डिस्क ड्राइव और डिस्प्ले कंट्रोलर्स को कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नली पोर्ट्स कनेक्ट करते हैं मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह को। पोर्ट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, VGA पोर्ट, पावर कनेक्टर, फायरवायर पोर्ट, मॉडेम पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, गेम पोर्ट, DVI पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, सराउंड साउंड कनेक्टर और 3.5 mm TRS कनेक्टर, डिस्प्ले पोर्ट, SVideo और HDMI। इनमें से हम इम्पोर्टेंट पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सीरियल पोर्ट में 9 से 25 पिन्स होती हैं। एक वक्त में ये एक बिट ट्रांसमिट करता है और इसमें डेटा ट्रेवल की स्पीड 115 किलोबिट्स पर सेकेंड है। पैरेलल पोर्ट में 25 होल्स होते हैं और ये 8 से 32 चैनल के वायर्स पर होती हैं, और इसमें एट अ टाइम 8 बिट ट्रांसफ़र होता है। ये पोर्ट्स ज़्यादातर प्रिंटर्स और स्कैनर्स के लिए यूज़ होती है। PS2 पोर्ट पुराने कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस को अटैच करने के लिए यूज़ होती थी। USB पोर्ट से हम तकरीबन सभी तरह के एक्सटर्नल USB डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं, मींस हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, etc।
यूएसबी पोर्ट 1997 में इंट्रोड्यूस्ड हुए। बहुत से कंप्यूटर में कम से कम दो यूएसबी पोर्ट्स होती हैं और इसमें डेटा ट्रेवल करता है 12 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से। वीजीए पोर्ट, वीजीए पोर्ट से हम मॉनिटर को कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। वीजीए पोर्ट्स में 15 होल्स होते हैं। वीजीए पोर्ट सीरियल पोर्ट की तरह होते हैं। सीरियल पोर्ट में पिंस होती हैं और वीजीए पोर्ट में होल्स होते हैं। पावर कनेक्टर, पावर कनेक्टर 3-प्रॉन्ग प्लग में मुश्तमिल होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को पावर बार या वॉल सॉकेट से कनेक्ट कर सकते हैं। फायरवायर पोर्ट, फायरवायर पोर्ट में बहुत तेज़ रफ्तार से बड़ी मकदार में डाटा मुंतकिल होता है। इसके थ्रू हम कैमकॉर्डर्स और वीडियो इक्विपमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। इसके थ्रू डाटा ट्रेवल की स्पीड 400 to 800 मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है और ये एप्पल कंपनी ने इन्वेंट किया है। इस पोर्ट के 3 वेरिएंट है, 4-पिन फायरवायर 400 कनेक्टर, 6-पिन फायरवायर 400 कनेक्टर और 9-पिन फायरवायर 800 कनेक्टर। ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट के ज़रिए हम हाई स्पीड इंटरनेट कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डाटा ट्रेवल करता है 10 megabits to 1000 megabits पर सेकेंड, ये डिपेंड करता है नेटवर्क बैंडविड्थ पर। डिजिटल वीडियो इंटरफेस पोर्ट, DVI पोर्ट कनेक्ट करता है फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर को कंप्यूटर्स के हाई ग्राफिक कार्ड्स को, जो कि बहुत पॉपुलर है वीडियो कार्ड मैन्युफैक्चरर्स में। ऑडियो पोर्ट्स, ऑडियो पोर्ट्स यूज़ होती हैं स्पीकर और अदर ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से। डिस्प्ले पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट एक डिजिटल डिस्प्ले इंटरफेस है। इसके साथ साथ ऑप्शनल मल्टीपल चैनल ऑडियो और अदर फॉर्म्स ऑफ डाटा। डिस्प्ले पोर्ट बनाया गया VGA और DVI पोर्ट को रिप्लेस करने के लिए और मेन इंटरफेस बनाने के लिए कंप्यूटर और मॉनिटर के दरमियान। डिस्प्ले पोर्ट 1.3 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, जो रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है 7680x4320 तक। HDMI पोर्ट, HDMI एब्रीवेशन है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस की। HDMI कनेक्ट करता है हाई डेफिनेशन और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर्स, HDTVs, ब्लू-रे प्लेयर्स, गेमिंग कंसोल्स, हाई डेफिनेशन कैमरा वगैरह। टेक्स्ट बुक्स जो आपको रिकमेंड की गई हैं नंबर 1 से नंबर 4 तक, और नंबर 5 पे वेब पोर्टल है जहाँ ये आप सारे लेक्चर्स ईजिली देख सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन हों आप ईजिली पूछ सकते हैं इस वेब पोर्टल के थ्रू और यूट्यूब चैनल के थ्रू भी।